अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मुदस्सर हुसैन। वेलकम टू माय चैनल HH24। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा स्क्रीन ट्रांसलेशन के बारे में। सबसे पहले दोस्तों, जिस दोस्त ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई वाली वीडियो की अपडेट आपको मिल सके। मैंने आज इस सॉफ्टवेयर के बारे में सर्च किया है। ये सॉफ्टवेयर बहुत ही फंटेस्टिक बना हुआ है कि अगर आपको किसी भी लैंग्वेज को ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो आप इस सॉफ्टवेयर के थ्रू कर सकते हैं। आपको ना तो टाइप करना पड़ेगा, ना ही आपको किसी से टाइप करवाना पड़ेगा। जस्ट आप इसकी इमेज को कैप्चर करेंगे और थ्रू सॉफ्टवेयर इसकी ट्रांसलेट कर सकते हैं। इवन के इसको रीटाइप भी कर सकते हैं। अगर आपको इंग्लिश टू इंग्लिश ट्रांसलेट करना है वो भी हो जाएगा, और अगर उर्दू टू इंग्लिश करना है वो भी सॉफ्टवेयर के थ्रू कर सकते हैं। ज़्यादातर मोस्टली अमूमन हमारे यहाँ लोगों को चाइनीज़ या जैपनीज़ ट्रांसलेशन में मसला आता है। इस सॉफ्टवेयर के थ्रू हम इंग्लिश टू चाइनीज़ भी ट्रांसलेट कर सकते हैं। जो दोस्त चाइनीज़ या जैपनीज़ सीखना चाहते हैं उनके लिए ये सॉफ्टवेयर काफ़ी हेल्पफुल है। इस सॉफ्टवेयर के थ्रू हिंदी टू इंग्लिश भी हो सकती है, इंग्लिश टू हिंदी भी ट्रांसलेट हो सकती है। तो ये सॉफ्टवेयर आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो आज मैं इस वीडियो के थ्रू आप इन दोस्तों को जो इस सॉफ्टवेयर के बारे में नहीं जानते हैं उनको बताना चाहता हूँ कि इस सॉफ्टवेयर के बारे में ये इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि इमेज के थ्रू हम लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर सकते हैं। इस सॉफ्टवेयर के का नाम स्क्रीन ट्रांसलेटर है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपको इमेज को कैप्चर करेंगे या हम गैलरी से इमेज को सेलेक्ट करेंगे। मेरे पास ओप्पो F19 है जिसमें ये सॉफ्टवेयर बिल्ट इन मौजूद है। ये सॉफ्टवेयर प्ले स्टोर के अंदर आसानी से अवेलेबल है। सो हम गैलरी को ओपन करेंगे। गैलरी को ओपन किया तो ये हमारे पास एक कोटेशन मौजूद है जो इंग्लिश में लिखी हुई है। आप देख सकते हैं ये मैंने स्क्रीन ट्रांसलेटर के बटन को क्लिक किया। और टॉप पर दी गई ऑप्शन को सिलेक्ट करके मतलूबा लैंग्वेज को सिलेक्ट करूंगा। इंग्लिश टू अरेबियन चाह रहा हूं तो अरेबियन को मैंने सिलेक्ट किया है, और उर्दू चाह रहा हूं तो उर्दू को मैंने सिलेक्ट किया है, क्लिक किया है और ये उर्दू में ट्रांसलेट हो चुकी हुई है। और अगर मैं इसी सॉफ्टवेयर के थ्रू चाइनीज़ को सिलेक्ट करता हूँ तो ये चाइनीज़ में भी ट्रांसलेट हो चुका हुआ है। ये सॉफ्टवेयर काफ़ी हेल्पफुल है सब दोस्तों के लिए। इसके अलावा अगर मैं ये काफ़ी इसमें तमाम लैंग्वेजेस जो है ना मौजूद हैं इस सॉफ्टवेयर के अंदर। अगर मैं ये ट्रांसलेट जैपनीज़ में करना चाह रहा हूँ तो ये जैपनीज़ के ऊपर भी ट्रांसलेट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि उर्दू के अलावा भी बहुत सी लैंग्वेज को की ऑप्शन मौजूद हैं, और आप जिस लैंग्वेज को भी ट्रांसलेट करना चाहते हैं उसको आप ये फर्स्ट के ऊपर सेलेक्ट करेंगे और उसको ट्रांसलेट कर सकेंगे। ये सॉफ्टवेयर काफ़ी हेल्पफुल है। इवन के हमने काफ़ी कुछ डाटा होता है जिसको टाइप करना होता है, उन दोस्तों के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल है कि एक अगर इमेज को लिया तो उसको इमेज मोबाइल के थ्रू हम पिक्चर को कैप्चर करेंगे और उसके बाद उसको इंग्लिश टू इंग्लिश भी ट्रांसलेट करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा। ये देखिए, मैं कैमरे के थ्रू अभी एक मेरे पास बुक अवेलेबल है जिसकी मैं एक पिक्चर आपके सामने ले रहा हूँ। ये मैंने पिक्चर को कैप्चर किया है।
कैप्चर करने के बाद मैं ये इसको इमेज को ओपन किया है साथ ही पिक्चर को। अब मैं स्क्रीन ट्रांसलेट के ऊपर क्लिक करूँगा और ये इंग्लिश टू इंग्लिश भी ट्रांसलेट हो चुकी है। ये देखिए जी, इंग्लिश टू इंग्लिश भी ट्रांसलेट हो जाती है। ये देखिए, अब इसका टेक्स्ट सेलेक्ट करके कॉपी भी कर सकते हैं। लाइक हमने इसको अगर उर्दू में ट्रांसलेट करना चाह रहे हैं तो ये उर्दू में भी ट्रांसलेट हो जाएगी। ये उर्दू में ट्रांसलेट हो चुकी हुई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपना कमेंट ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।